साल 2019 सिरमौर ट्रांसपोर्टर की तरफ से मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को भी और प्रदेशवासियों को भी। और हमारे दिव्य हिमाचल पेपर न्यूज का जो वर्षगांठ 28 तारीख को मना रहे हैं, मैं उसको भी अपने ओर से और अपनी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर वन आंका गया है। प्रदेश सरकार बच्चों को अव्वल दर्जे की शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। ये बात पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहों में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह एवं अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य रोहित वर्मा ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए CBA का फॉर्मूला यानी कंसीव बिलीव एंड अचीव को उतारने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय की पत्रिका प्रतिबिंब का भी विमोचन किया गया। वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2018 और उसके साथ साथ अखंड शिक्षा ज्योति मेरे विद्यालय से निकले मोती के तहत जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और इस मौके पर हमारे बीच जो है हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश कश्यप जी आज हमारे मुख्य अतिथि रहे, और साथ ही साथ हमारे पंचायत के प्रधान श्री नरेंद्र गोसाई जी हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने अलग अलग इवेंट्स का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम हमारे विद्यालय की प्रथम जो है वो पत्रिका का विमोचन मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया, जिसका नाम था प्रतिबिंब। उसके बाद माननीय विधायक महोदय जी द्वारा दिया गया 4 लाख रुपए से निर्मित नया भवन मंच का भी उद्घाटन किया गया, जिसका नाम हम लोगों ने बावन महाराज के नाम पर बावन सांस्कृतिक मंच रखा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट।